गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माइ सेल्फ मेजर कोमल कत्याल डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी जी के गोवानी गवर्नमेंट टुडे वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टीलिया विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे वर्ग वर्गीकरण से संबंधित देर आर वेरियस मैथड्स द रेप्टाइल्स But the most suitable method, as given by Romer, is based on the basis of their skull, the reptilian skull. The basic four types shown here anapsid with no temporal openings, synapsid with one opening, diapsid with two openings, urapsid with one smaller opening. And later on, we will also discuss about the parapsid, where also there is one opening. If you look at closely at the reptilian skull, you can see there is an orbit, and behind the orbit, there is presence of the post-orbital. Post-orbital it means behind the orbit, after the orbit, and then a square nozzle and if there is any temporal vacuity is there which is guarded by this either on the upper side or on the lower side it means as you can see in the diapsid, where there is clear-cut square and post orbital are there and the upper and lower temporal vacuities are clearly visible so as two

टेम्पोरल फोसा या टेम्पोरल फोसी उपस्थित होती है फर्स्ट सब क्लास इज दे आर द प्रिमिटिव रेपटाइज सॉलिड स्कल रूफ नो टेम्पोरल ओपनिंग्स वन लिविंग ऑर्डर दैट इज किलोनिया और टेस्टूडिनेटा द ग्रीक वर्ड चीलोन मीन्स टर्टल और लेटिन वर्ल्ड टेस्टिडो Also means turtle. Now, regarding the first living order of reptiles, that is order Chelonia. In Chelonia, approximately 400 species of turtle and tortoise are there. Tortoise are terrestrial, turtles and chelonians that live in the waters. जो टोटोइ हैं वो स्थलचर होते हैं और जो टर्टल हैं वो वास्तव में जलीय कछुए होते हैं अधिकतर समुद्रवासी होते हैं देवर शॉर्ट बॉडी ब्रॉड एंड ओवल बॉडी द बॉडी इज एनकेस्ड इन अ फर्म शेल ऑफ डॉर्सल कैरापेस एंड वेंट्रल प्लास्ट्रॉन मेड ऑफ डर्मल बोनी प्लेट्स लिम्स एंड नेक रिट्रैक्टेबल इन टू द शेल ड्यूरिंग डेंजर इनकी जो खासियत होती है शरीर क्या होता है ब्रॉड होता है छोटा होता है ओवल होता है कुछ लार्ज साइज भी टॉर्टाइज होते हैं जो काफी अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं शरीर के चारों तरफ एक आवरण होता है कवच के समान जो पृष्ठ में जिसको हम कैरापेस और अधर में उसको हम प्लेस्ट्रोन बोलते हैं जो डर्मल बोनी प्लेट्स का अस्थिल पट्टियों का बना हुआ होता है और ये जो पूरा कवच है इसका कछुओं का इनके अंदर ये जब भी इनको कोई खतरा भापते हैं तो अपनी गर्दन सम, गर्दन व चारों टांगे उसके अंदर ये वापस समेट लेते हैं द थेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स यूजअली फ्यूज टू द कैरापेस एंड देयर शेप इज मॉडिफाइड फॉर वेराइटी ऑफ इकोलॉजिकल डिमांड्स जो इनकी वक्षीय Uh, कशेरुकाएं हैं और उसके साथ में जो पसलियां हैं वो कैरापेस से जुड़ी हुई होती हैं और जिस वातावरण में ये रहते हैं उस परिस्थिति के अनुसार इनके शरीर की आकृति भी अलग अलग होती है सो दिस इज रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ डॉर्सल कैरापेस एंड वेंट्रल प्लेस्ट्रोन ऑफ टर्टल शेल दिस इज हाउ द रिब्स एंड वर्टिब्री Are fused with the carapace. You can see the plastron is totally free. Both positions are shown. In one, the neck is outside the shell, and in the second, the neck is retracted back into the shell. Teeth are absent in the case of. जो कछुए होते हैं उनके अंदर दांत नहीं पाए जाते उसकी जगह जबड़ों पर क्या होता है हॉर्नी शीत होती है जिसकी मदद से ये बहुत तेजी से क्या करते हैं कुछ भी चीज को काट सकते हैं जो अवस्कर क्षेत्र होता है वो क्या अनुदेद स्लेट के समान होता है दरार के समान कॉपुलेट्री ऑर्गन सिंगल एंड सिंपल जो मैथुन अंग होता है वो एकल और सरल होता है संरचना उसकी जटिल नहीं होती है द फॉर लिम्स ऑफ अ मरीन टर्टर हैं जो पाद होते हैं अग्रपाद या पश्चपाद भी समुद्री टर्टल के अंदर क्या होता है वो फ्लिपर के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं जिससे वो आसानी से समुद्र में तैर सकते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है लैंड पे वो क्या होता है क्लम्पसी मूवमेंट होता है मतलब ये बहुत आसानी से जो जमीन है उस पर नहीं चल पाते बहुत अजीब तरह से ये क्या करते हैं उस पर जो कोस्टल एरिया जो समुद्र का किनारा है जो सी बीचेज है वहां पर रेंगते हैं इसी तरह से जो स्वच्छ जलीय कछुए होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनके अग्र और पश्च पाद होते हैं उनमें क्या होता है पाद जाल पाए जाते हैं वेब्ड टोज होते हैं जिसकी सहायता से वो आसानी से पानी के अंदर तैरते रहते हैं क्योंकि उनकी एम्फीबियस लाइफ होती है ड्यूल लाइफ होती है तो वो आसानी से जो सतह है स्थल, स्थली प्रकृति होती है जहाँ पे स्थल आकृति होती है वहां पर वो आसानी से चल भी लेते हैं द माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ सी एंड रिवर टर्टल रिटर्न टू लैंड टू ले एग्स इनके अंदर प्रवास का व्यवहार दिखाई देता है जैसा हमने कई अलग अलग प्रजाति के कछुओं में देखा है कि जब इनको जनन ऋतु आती है उस दौरान या जो स्वच्छ जलीय नदी के अंदर पाए जाने वाले कछुए होते हैं वो क्या करते हैं जमीन पर आते हैं समुद्र के किनारे या जो नदी के किनारे आकर ये क्या करते हैं जमीन पर एक गड्ढा सा बनाते हैं और उसके अंदर ये क्या करते हैं अंडे देते हैं और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे धीरे 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 रेंगते हुए क्या चलते हैं पानी की तरफ चले जाते हैं और चूंकि अंडों की संख्या अधिक होती है बच्चे जो निकलते हैं उसमें से कई बच्चे पर का भी शिकार हो सकते हैं This is the example of a giant tortoise. You can see the lifespan is nearly 150 years, size is very large. Now, about the second subclass, that is Eurepsida, you can see the presence of post orbital and squamosal shown with two different colors, and on the upper side, also mentioned the skull with a single dorsolateral opening on either side bounded below by post orbital and squamosal bones so easily visible the single vacuity bounded below by post orbital and squamosal it means present on the upper side of post orbital and squamosal bones the third subclass is parapsida. In the case of parapsida, again the temporal vacuity is there, but it is not guarded by post-orbital and squamosal. Instead of this, there is presence of two new bones, the postfrontal and supratemporal. So these two bones are actually guiding. The temporal vacuity. There is only one temporal vacuity in the skull on the dorsolateral side, bounded below by supra temporal and post frontal bones. The fourth subclass, again, it is also extinct the synapsida. Just opposite the urapsida, you can see the presence of a temporal vacuity on.

diapsida including the modern reptiles like snakes lizard crocodiles and the extinct dinosaurs you can see the post orbital and squamosal bones and two temporal fossae or temporal vacuities are there on upper and lower side of the skull dinosaurs were dominated एनिमल्स इन द मीसोजोई महाकल्प था उसमें ये सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते थे नाउ रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्डर ऑफ डायपसिडा द फर्स्ट वन इज द ऑर्डर रिंको सिफेलिया विद ओनली वन लिविंग एग्जाम्पल दट इज स्वेनोडॉन पंक्टेटम commonly known as tuatara which is present in the new zealand it inhabit islands of coast of new zealand resembles a large lizard about 60 cm long limbs adapted for burrowing लगभग 60 सेंटीमीटर बड़ा एक छिपकली सरद्रश छिपकली के समान जंतु होता है जो अधिकतर बिल बनाकर रहता है और इसमें एक तीसरी आंख जिसको हम पेराइटल नेत्र बोलते हैं वो पाया जाता है जो थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है और इसके शरीर का तापमान बढ़ने से रोकता है सो इट हैज एन इनकॉन्स्पिक्यूअस थर्ड आई ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड द पेराइटल आई क्लियरली विजिबल इन दिस ऑल्सो विच फंक्शन एज अ थर्मोस्टेट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग

Numerous abdominal ribs are also present. जो है, है, वो भी इसके अंदर पाई जाती है अनुप्रस्त होता है जबकि हमने देखा था कछुओ में वो क्या होता है अनु होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टीलिया आज हमने वर्ग रेप्टीलिया के वर्गीकरण का प्रथम भाग के बारे में पढ़ा जिसमें हमने दो लिविंग ऑर्डर्स लिए एक चिलोनिया या किलोनिया जिसमें अलग अलग तरह के कछुए आते हैं और दूसरा रिंकोसिफेलिया जिसमें टुआटारा जो केवल न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है इन दो लिविंग ऑर्डर के बारे में और जो इसके विभिन्न उपवर्ग हैं जो पांचों सब क्लासेस हैं उनके बारे में पढ़ा एनेप्सिडा जिसमें टेम्पोरल होती है डायप्सिडा जिसमें दो टेम्पोरल होती है और तीन लुप्त प्राय लुप्त हुई हुई उपवर्ग यूरेप्सिडा पैरपसिडा और सीनेप्सिडा सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑन द क्लासिफिकेशन थैंक यू